आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। करोड़ों का राजस्व वसूलने वाले देहरादून नगर निगम की एक बार फिर से पोल खुल गई है। दरअसल आज वीकेंड कर्फ्यू में 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाना था, लेकिन दवाओं का छिड़काव करने वाली अधिकांश गाड़ियां रखरखाव के अभाव में कंडम खड़ी हैं, जिसके चलते निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में नगर निगम की ओर से बाहरी राज्यों से शहर में छिड़काव करने को 50 गाड़ियां मंगाई गई, तब जाकर कहीं छिड़काव का कार्य शुरू किया गया। वहीं नगर निगम सुनील उनियाल गामा भी निगम पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिटाइजेशन का कार्य का जायजा लिया और शहर में पर्याप्त रूप से दवा के छिड़काव के निर्देश दिए। इस बीच मेयर ने निगम परिसर में स्वयं सैनिटाइजेशन भी किया। मेयर ने बताया कि आज निगम के ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन किया गया है। वहीं मेयर ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोग घर में रहकर भी खुद का इलाज कर सकते हैं। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। जो भय का वातावरण है उसको दूर करने के लिए नगर निगम सैनिटाइज अभियान 100 के 100 वार्डों में चला रहा है। पूर्व में भी हमने पूरे शहर को सैनिटाइज किया था। आज हमने उसी क्रम में जो है 50 वार्डों में आज जो है जो हमारे आउटर के वार्ड हैं वहाँ हमारा अभियान प्रारंभ हो चुका है। कहीं किसी कारणवश गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और कल जो है पुनः जो है 50 वार्डों में अभियान चलाया जाएगा। जहाँ आज छूट जाएंगे वहाँ कल हम उसको करेंगे। उसके बावजूद भी जहाँ भी कमी रह जाएगी उसको जो है प्रत्येक दिन जो है सोमवार मंगलवार को भी अभियान जारी है। लोगों को भय का वातावरण तो आपको लोगों में जो इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक है, हल्का फुल्का बुखार आ जा रहा है, उसमें भी लोग डॉक्टरों के बगैर सलाह के हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि डॉक्टर की सलाह पर ही जो है एडमिट होने की सोचे। हल्का फुल्का बुखार है तो आप घर पर भी उसके इलाज के दवाइयों से आप उसको घर पर ठीक हो सकते हैं और ये जो माहौल जो पैनिक का माहौल है उसको भी ख़त्म करने में हम सब जो है मिलकर जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ाई को जीतेंगे, निश्चित रूप से कोरोना को जो है हम विजय हासिल करेंगे। ठीक है, सभी लोग इस समय बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आपको पता है कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। इस बार चूँकि सैटरडे और संडे को देहरादून में लॉकडाउन किया गया था, इसलिए हम लोगों ने आज से 2 दिन का एक लक्ष्य रखा है पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए। हमारे 100 वार्ड हैं, आज हमारा टारगेट 50 वार्ड को करने का था, लेकिन कल आपको पता है कि मौसम काफ़ी ख़राब होने से जो हमारे ट्रैक्टर्स बाहर जाने थे वो उतने नहीं आ पाए। 38 वार्डों में आज हमारा काम शाम तक चलेगा और हमने ये भी कर लिया है कि जिन वार्डों को एक हमने अपनी मशीन दी है उनसे कहा उनसे पूरे दिन कराइए आप, ताकि कोई भी गली मोहल्ला छूटने ना पाए। कल रेस्ट हमारे जो बचेंगे करीब 62 वार्ड उनको हम और भी संसाधन मंगा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है इस लॉकडाउन में, क्योंकि पब्लिक सड़कों पर कम रहती है और ये दवा थोड़ी हानिकारक भी होती है, लोगों को कपड़ों पर ना पड़े, आंखों में न जाए, तो इसका हम लोग उपयोग करते हुए कोशिश करेंगे कि कल शाम तक हम अपनी पूरी शहर को 100 वार्ड को सैनिटाइज करें। सर आगे भी सैनिटाइजेशन जारी रहेगा अगले हफ्ते की बात करें? निश्चित रूप से, आप देखिए कि अगले हफ्ते फिर सैटरडे संडे का अगर लॉकडाउन ऐसा रहता है तो हम इसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और उसको सैनिटाइजेशन करेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि नॉर्मल डेज में भी हमारे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम हैं, जहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं वहाँ हम रेगुलर बेसिस पर करा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक पूरे शहर को एक साथ सैनिटाइज करने का जो हम लोगों का टारगेट था वो सैटरडे संडे में ही, जबकि पूरा लॉकडाउन लगा हो तभी पॉसिबल है। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर।